आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज CG को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपके आसपास की छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। कोरिया जिले के खड़गवा क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री की सूचना खड़गवा थाना को लगातार मिल रही थी। सूचना को खड़गवा थाना प्रभारी ओम शंकर साहू ने गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर खड़गवा गांव के अलग अलग क्षेत्रों में मुखबिर तैनात कर रखे थे। जैसे ही पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सोल्ड सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो में दो लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश के बिजूरी की ओर से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के रास्ते खड़गवा क्षेत्र की ओर जा रही है। खड़गवा पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए ग्राम सकड़ा में नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जाँच प्रारंभ किया। जांच के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का परिवहन कर रहे स्कॉर्पियो वाहन में 38 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब लाया जा रहा था। पूछताछ करने पर शराब का कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर 38 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब एवं स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया। शराब की कीमत लगभग 1,52,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं शराब परिवहन कर रहे दो आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे और भी खुलासा होने की संभावना है। दिनांक 22/19 को अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के अभियान के तहत भ्रमण पर निकले थे और पुलिस टीम के साथ, तो हमें मुखबिर की सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश बिजूरी की ओर से कोई अज्ञात सोल्ड गाड़ी स्कॉर्पियो आ रही है, जिसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो हमने ग्राम सकड़ा के आसपास घेराबंदी की थी और वहाँ पर हमें एक संदिग्ध स्कॉर्पियो मिला, जिस पर चेकिंग की गई और चेकिंग करने पर हमको उसमें से 38 पेटी तकरीबन 1900 पाव अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेट का मिला। और पूछताछ करने पर उनके पास कोई उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके तहत हमने एक शराब को जब्त कर आरोपी मनराज पोर्टे और हितेश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की। कितनी कीमत है शराब की? तकरीबन 1,52,000 रुपये शराब की। इसके मालिक की जानकारी मिली कि ये किसके द्वारा मंगवाया जा रहा है या वो? अभी मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। इसके बारे में विवेचना दौरान पता साझा किया जाएगा। किस प्रकार के धाराएं लगाएंगे, किस प्रकार कार्रवाई? उक्त प्रकरण में 34 दो आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। RNN न्यूज़ के लिए कोरिया से बाला राव की रिपोर्ट।